हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा आप सबके साथ और एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो देखिए मैं अपनी किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने बहुत दिन बाद मतलब किचन में नाश्ता बनाते हुए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नाश्ता बनाने टाइम में आप सबके साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ, तो सोचा आज शेयर कर देती हूँ। और अभी मैं किचन में पराठा बना रही हूँ, और आलू पराठा, आलू भुजिया बनाऊँगी और गाजर का हलवा। तो देखिए, इधर कुकर में आलू को उबालने के लिए डाल दी हूँ, उसका सब्जी बनाऊँगी करके। और अभी पराठा बना रही हूँ। तो पराठा हम बनाते हैं ना तो तिकोना टाइप से बनाते हैं, लेकिन आज सोचा थोड़ा सा गोल गोला में रोटी जैसे बनाती हूँ। डेली डेली एक ही डिज़ाइन का खाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गोल शेप में बनाऊंगी तो कुछ न्यू टाइप सा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी मैं रोटी जैसे बना के पराठा बना रही हूँ। और किचन अभी सुबह का 8 बज रहा है, मेरा जितना सारा काम है घर का सारा मेरा काम हो गया है। आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि बाबू का स्कूल है, तो थोड़ा सा वो 10:30 बजे जाएगा। आज थोड़ा जल्दी बुलाए हैं तो इसीलिए जल्दी उठना पड़ा है। मैं अभी पराठा बना रही हूँ, तो आप सब ब्लॉग को देखते रहिए। देखिए मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो ऐसे ही चुड़ैल बन के रहती हूँ क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, इसी वजह से ना कंघी वगैरह करने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि कंघी करने बैठ गई तो फिर उधर 10-15 मिनट लग जाएगा, इसीलिए ना मैं जब तक तो नहाने से पहले कंघी करती हूँ उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन अभी देखिए नाश्ता बना रही हूँ करके ना कंघी नहीं की हूँ, ऐसे ही बाल उलझा हुआ है, वैसे ही किचन में आ गई हूँ। अब जब मेरा नाश्ता बनेगा उसके बाद ही कंघी करूँगी, फिर नहाने चलूँगी। और देखिए मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है, और मेरा जो तवा है मैं उसको रख दी हूँ बेसिन में। और ये देखिए, ये रहा गाजर का हलवा बन रहा है, और इधर डेक्ची में दूध चढ़ाई हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा मतलब नहा के छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। और आज ना थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाई हूँ, मतलब जो कच्चा वाला हल्दी रहता है उसका पीस के ना पूरा शरीर में लगा के फिर नहाई हूँ। ऐसे बोलते हैं हल्दी लगा के नहाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, सब कोई बोलते हैं, तो सोचा घर में कच्चा वाला हल्दी पड़ा है तो उसको क्यों ना पूरा पीला हो जाओ लगा के। तो देखिए पूरा मैं बहुत ज़्यादा ही पीला हो गई हूँ, उसको नहाने से पहले थोड़ा सा लगा के बैठी थी, उसके बाद ना नहाई हूँ लेकिन छूटा नहीं है, तो पीला पीला बहुत अच्छा लग रहा है तो दोबारा कभी नहीं लगाऊंगी। आज थोड़ा सा शौक हुआ लगा था, तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो उसमें बता रहे थे हल्दी लगा के नहाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा आज लगा लगा मैं पीला हो गई हूँ। मेरा कपड़ा वपड़ा धो के नहा के फिर आई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए छत पे। अभी मस्त हल्का हल्का धूप लग रहा है, और लग रहा है कि यहीं पे बैठ जाऊँ, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा तो सारा काम हो चुका है। अभी खाना बनाऊँगी। अभी ना दोपहर को 12 बज गया है, सुबह 8 बजे से मैं काम कर रही हूँ। अभी 12 बज के
मतलब मैं 12 बजे ना नहा धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद कपड़ा सुखाती हूँ। नहाने से पहले तो कपड़ा धोने के लिए डाल देती हूँ मशीन में, वॉशिंग मशीन में। तो कपड़ा धोने के बाद पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़ा सुखाने आती हूँ, क्योंकि 12 बजे भी सुखाती हूँ ना कपड़ा, तो भी 4 बजे तक तो धूप रहता है, आराम से सूख जाता है। और ऐसे भी वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा इसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद हल्का धूप में डालने से सूख जाता है, इसीलिए कपड़ा सुखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना भी लेट में सुखा दूँ तो सूख ही जाता है। तो अभी तो 12 बज रहा है, मैं कपड़ा सुखा के नीचे जाऊँगी, उसके बाद ना खाना बनाऊँगी। तो आज सोच रही हूँ अंडा बनाने के लिए, अंडा बनाऊँगी, और क्या बना सकती हूँ देख रही हूँ। हो सके तो कुछ बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह नाश्ता बना ले तो फिर खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन क्या करूँ, खाना तो बनाना पड़ेगा। और ऐसे बाबू तो सुबह खा के स्कूल चला गया है, वो जल्दी गया है, सर जल्दी आ जाएगा, और खाऊंगी तो दोपहर को लंच में मेरा हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड भी कभी कभी आता है, कभी आता ही नहीं है, वीक में 2-3 दिन आता है, मुश्किल से 2 दिन तो आता ही है, और वही 2-3 दिन मुश्किल से आता है, उसके बाद नहीं आता। मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे को भी बना के खाने का मन नहीं करता है, जैसे सब कोई रहता है तो उस टाइम बनाती हूँ, सब कोई रहता है तो कुछ बना के खाने का कुछ अलग ही सुकून मिलता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मेरा बन रहा है उधर लाल भाजी का सब्ज़ी, और ये है अंडा का, अंडा करी बोलते हैं, तो अंडा करी बना रही हूँ और लाल भाजी का सब्ज़ी बनाई हूँ। मेरे को तो लाल भाजी बिल्कुल पसंद है नहीं। आज का ब्लॉग कैसा रहा, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।